दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी तो डॉक्टरों की सलाह पर वो जयपुर आई है स्वास्थ्य लाभ के लिए। लेकिन सोनिया गांधी के जयपुर आने का ये इकलौता मकसद नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस में पॉलिटिकल पोल्यूशन की स्थिति है और उसको ठीक करने के लिए भी सोनिया गांधी जयपुर आई है। अगले कुछ दिन तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो वातावरण दूषित हुआ उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस काफ़ी चुनौती महसूस कर रही है, न सिर्फ बीजेपी से, कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात है उसको देखते हुए भी। इसलिए कांग्रेस यहाँ पर आखिरी कोशिश कर रही है कि अंदर सब कुछ ठीक हो तो ये लड़ाई ठीक तरीके से लड़ी जा सके। सचिन पायलट पिछले कई दिनों से वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर उनकी रैलियां प्रचार काफ़ी कम है। सचिन पायलट की भी एक शिकायत रही, उनके समर्थक भी कहते रहे लगातार, वो भी कहते रहे कि यहाँ पर उनको जो तवज्जो जगह जो मिलनी चाहिए, चाहे विज्ञापन कैंपेन हो उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इकलौते नज़र आते हैं, या रैलियाँ होती है वहाँ पर भी अशोक गहलोत नज़र आते हैं, वहाँ पर सचिन पायलट नहीं है राजस्थान के पूरे पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर। तो इससे कांग्रेस के अंदर लगातार ये मैसेज गया कि इससे राजस्थान में काफ़ी नुकसान हो सकता है, ख़ास तौर पर पूर्वी राजस्थान समेत उन इलाकों में जहाँ सचिन पायलट का अच्छा खासा असर है। इसके अलावा भी कई सारी राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर कई तरह की शिकायतें, जो डिज़ाइन बॉक्स जो कंपनी एड कैंपेन देखती है कांग्रेस का, उसको लेकर भी कई सारी शिकायतें हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी खुश नहीं हैं कि किस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है। कई तरीके की समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेगी और सोनिया गांधी खुद नज़र रखेगी राजस्थान के अंदर चुनाव कैंपेन पर। सोनिया गांधी इकलौती यहाँ पर नहीं आई है, राहुल गांधी भी यहीं से रहकर चुनाव प्रचार देखेंगे। आज वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में 4 दिन तक उनकी चुनावी रैलियाँ हैं, तो राहुल गांधी यहाँ रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर रहेंगे। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो भी जयपुर में सोनिया गांधी के साथ ही आए, यहीं डेरा डालकर रहेंगे। तो एक तरह से अगले कुछ दिन जो 5 राज्यों के चुनाव है कांग्रेस में, उसकी कमान यहाँ से जयपुर से सोनिया गांधी एक तरह से संभालेगी। और सोनिया गांधी की सबसे बड़ी नज़र राजस्थान में है कि राजस्थान का पॉलिटिकल पोल्यूशन कांग्रेस का कैसे दूर किया जाए।